हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं घूमने, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। बहुत दिन से मेरा मन था जाने का, ग्रीन लीफ। तो कल्याण में है ये, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। ये बाहर से जो है इसका नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो ज़रूर जाइएगा। हमारे घर से 1.5 घंटे दूर पर था, पर मेरा बहुत मन था, मैंने ये देख रखा था इंस्टा पे, तो मुझे यहाँ जाना ही जाना था। तो ये वहाँ का है जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। तो इसकी दो एंट्री है, एक यहाँ से जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ये एंट्री है और एक और मेन एंट्री है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर पूरा मेंशन है, जो मेन डोर है ना वो अलग है। और यहाँ पर इन लोगों ने गेम जोन बना रखा है, सब कुछ चार्जेबल है, सबके जो है वो चार्ज है 100 रुपये, आई थिंक 100 रुपये 50 रुपये ऐसे करके। बच्चों की कार वगैरह है चलाने की, बाइक है, देन एक इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरा बड़ा मन था चलाने का लेकिन ये बड़ी खच्चड़ सी लग रही थी इसलिए मैंने नहीं चलाई। एक मिक्की माउस जैसा बच्चों का ये रखा हुआ है गेम जोन, मतलब पूरा बना रखा है। वो मुझे लगता है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ना वेटिंग लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है, हम लोगों को लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा था। और आप जितने भी ये लोग बाहर देख रहे हैं ना, ये सारे वेटिंग में हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने ये एक स्कूटर लगा रखा है जो कि 3 सीट में है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो सब लोग यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और ग्रीन लीफ का पीछे लोगो वगैरह था। हमने भी अपने नाम वगैरह लिखवा दिया है, उन्होंने बोला 1 घंटा लगेगा। और ये है मेन डोर, यहाँ भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बाहर जब आप ही रोड से निकलोगे ना तो मेन एंट्रेंस जो है वो यही है, बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी है। तो मैं आपको इस वाले गेट से भी एंट्री करते हुए दिखा दे रही हूँ। तो मिलेंगे दोनों एक साथ ही, मतलब ये ग्रीन लीफ के कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं कि आपको अगर पहले बुकिंग वगैरह करानी है तो कैसा क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें। यहाँ पर आई थिंक वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, हम तो संडे में गए थे तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर लाइव शो जो है वो चलता रहता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह लगा हुआ था और एक दो बंदे बैठ के गा रहे थे, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा जहाँ पर गाना वगैरह आ रहा है वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ कृषि ने बहुत मस्ती की थी, एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया था और कृषि को ना बहुत अब गोदी में ऐसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको लगता है घूमने दो मुझे, लेकिन अभी चल नहीं पाता है। तो उस वजह से हमें लग रहा था पूरा इधर उधर गाड़ियाँ भी निकल रही थी, जो कार वगैरह बच्चों की हैं वो चला रहे थे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन कृषि बहुत मस्ती कर रहा था। और ये एक बच्ची है, कृषि की 6 महीने बड़ी है, तो इसके साथ बहुत खेल रहा था, पर वो जिप से थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था ये मतलब बच्चे होते हैं ना पकड़ लेते हैं एकदम से। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, मैंने और किशिप ने डांस किया और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे थे। इतनी प्यारी जगह है ना कि यहाँ पे आके आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और मूड ऑफ हो तो एकदम मूड ऑन हो जाएगा, मतलब अलग ही माहौल है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी और हस्बैंड को भी। बस एक चीज़ ये थी कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, पर पता नहीं लगा क्योंकि ऐसे खेल रहे थे और बाहर इन लोगों ने चेयर वगैरह भी डाल रखी हैं, आगे की साइड में भी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बाकी अब इतने सारे लोग थे, लगभग 50 लोग होंगे जो ऐसे बाहर होंगे वेटिंग में। ये मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं। एक्चुअली इसका जो इन्होंने थीम बनाया ना, एक्वा थीम बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। टेबल के अंदर से जो है ना वो पानी निकलता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जिसका भी बर्थडे होता है वो इस तरीके से बर्थडे का जो है वो ये सब लगा देते हैं, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी जो भी है। तो ये वाली टेबल उनको मिलती है जो काफ़ी लोग होते हैं, मतलब ग्रुप में आते हैं या बर्थडे वगैरह होता है वैसा, 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए अलग से सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पर हम बैठे थे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आगे। इस तरीके से एक राइट हैंड साइड पर एक पार्ट बना रखा था, यहाँ पर भी आप देखो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे यहाँ पर दे रखा है। तो 3-3, 4-4 चेयर पड़ी हुई थी, चेयर्स भी बहुत सुंदर थी। ये एक ब्रिज बना रखा है इन्होंने, दो चेयर चाहिए तो फिर उधर साइड में, दो चेयर चाहिए तो फिर उधर साइड टेबल
चलेगा ना, बैठ। तो बस खाने का टाइम हो गया है, हमने ऑर्डर किया था फ्रूट पंच और पनीर टिक्का और वही बस एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पर मुझे जो थोड़ा सा ठीक चीज़ नहीं लगी वो थे यहाँ के वॉशरूम। जिस हिसाब से गैदरिंग है उस हिसाब से उन्हें पूरा दिन क्लीन करवाते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, गंदा हो रहा था। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ बेबी केयर रूम नहीं था, तो बच्चे को फीड करवाने में या उसका डाइपर चेंज करना है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसे ही कहीं पर भी जो है वो करना पड़ेगा। इन्होंने अलग से कोई भी सेक्शन नहीं बना रखा है उसके लिए। तो मुझे दो चीज़ें जो लगी कमी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, बाकी सब कुछ वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस हम लोग घर जो है वो आ गए हैं। क्या हुआ, मैं नीचे से जाके खोल के आऊं? हैं? मैं नीचे से चली जाऊंगी? नीचे बहुत जगह है, आराम से मैं घुस सकती हूँ, इतनी भी मोटी नहीं हूँ, पर अपने आप ही करेंगे भाई। हेल्प करूं? ये क्रेशेव अलग ही अपनी धुन में लगा हुआ है। देखो 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 इसको देख लो, कोई तो देख लो। अरे भाई खोल लिया, बहुत तेज है पति हमारे। ये देखिए जुगाड़ू, हिंदुस्तानी जुगाड़ू। कृष्ण पापा कौन है? हिंदुस्तानी जुगाड़ पापा, हिंदुस्तान के लोग। ए उधर का गेट खुल के इधर आ गया। अरे जी पापा क्या कर रहे हैं भैया, गेट झूल रहा है, उधर खोला तो इधर बंद। उसमें बंधेगा वो जो अंदर डोरी लटक रही है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आए देखिए 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 पापा, देख पापा देख कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। भाई हम लोग बैठे हुए हैं, देख पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया देख तो जरा, देख देख तेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं पापा, तेरे लिए कर रहे हैं सब मेहनत, देख तो जरा पापा। हवा लगा पापा, ऐसे बुला दे। अच्छा ऐसे बुला दे एक बार, कैसे पापा ऐसे बुला दे, एक बार बुला दे। आ गए पापा इतनी मेहनत करके पापा, पूरी मेहनत करके पापा आ गए कृषु के, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पापा आ गए। अब बंद भी करना पड़ेगा गेट। जो अब पापा गेट बंद करने गए हैं। अच्छा इधर देख लो, अच्छा सबको बोल दो पहले बाय बाय गुड नाइट, हम लोग घर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, घर से निकले थे 8 बजे और बज गया है, कितना बज गया है, लगभग 9:45 बज गया है, बहुत देर हो गई है। अच्छा पहले एक बार ऐसे कर दो पापा, इसको ना गाड़ी में बस गियर छू लूं और हैंड ब्रेक छू लूं, लाइट छू लूं, कुछ ना कुछ छूता ही रहूंगा। कृषु के कपड़े जो है वो काम में आ गए हैं, कृषु ने कर दी थी वहां पर वॉमिटिंग, तो इसके कपड़े आ गए काम में जो मैं लेके गई थी वो बदल दिया मैंने। चलिए भाई इसी के साथ ही ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, गुड नाइट। इसमें छुपो, नेट में छुपो, नेट में छुपो, इस पे नहीं चोट लग जाती है मुंह पे। नेट में छुपो, नेट में, नेट में छुपो, नेट में। मैं तो लटपट लटपट गया।